फिल्म की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जो खून से लथपथ रहती है और वो बर्फ़ पर चल रही होती है। एकदम से वो गिर जाती है और वहाँ पर वो रोने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके साथ क्या हुआ वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो फिल्म में 1996 के समय की स्टोरी को दिखा, पर ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें फ्रेंड्स के कुछ डांसर की स्टोरी को दिखाया है। तो उन डांसर को दिखाते हैं जिसकी हम इस फिल्म में स्टोरी देखेंगे। वो सभी एक एक करके इंटरव्यू देते हैं और उनमें रहते हैं लो, एवाना, एवा, रॉकेट, राइली, डेविड, सिरली, ओमार, साइकी, जेनिफर, एलाया, डॉम, साइबर, रॉकोर, केरा, बार, टेलर और उसकी सिस्ट गजेल, सीला और सरपेंट। तो वो सभी इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में वो सभी डांस के बारे में बताते हैं कि डांस उनके लिए कितना मायने रखता है। जब भी वो डांस करते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। और किसी का ये एम था और किसी का डाम हॉबी था। और उनकी मैनेजर थी इमैनुएल और सेला। तो वो रिहर्सल करने के लिए एक स्कूल में जाते हैं और उनकी 3 दिन की रिहर्सल थी अपकमिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो वो सभी अब स्कूल में रहते हैं और वो डांस करते हैं। वो सबसे हटके डांस करते हैं और सबसे बेहतरीन। उनका डांस एकदम से इम्पॉसिबल रहता है और उतना ही अच्छा रहता है। वो काफ़ी टाइम तक डांस करते हैं और उनकी रिहर्सल काफ़ी अच्छे से जाती है। इसके बाद वो सभी पार्टी करते हैं, मतलब कि वो ड्रिंक पीते हैं और ड्रिंक में रहती है सेंग्रिया जो कि इमैनुएल ने बनाई थी। अब इसके बाद सेल्वा और डेविड रिलेशनशिप में थे तो वहीं पर डेविड सेल्वा को किस करता है, लेकिन सेल्वा को पब्लिक में किस करना पसंद नहीं रहता है। अब तो इसके बाद सेल्वा इवाना और साइकी के पास जाती है, तो उन्होंने डांस काफ़ी अच्छा किया था इसलिए सेल्वा उन दोनों की बड़ाई भी करती है। तो वहाँ पर एक बच्चा भी था टीटो जो कि इमैनुएल का बेटा था। तो लो उसके साथ डांस करती है, उसके बाद सेल्वा उसके साथ डांस करती है। तो उनकी पार्टी ऐसी चल रही होती है। अब सेल्वा और लो के पास डेविड आता है और वहीं पर लो उस बच्चे के बारे में कहती है। उसे उस बच्चे का यहाँ पर रहना सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। अब इसके बाद इमैनुएल को दिखाते हैं जो अपने बेटे यानी टीटो को सुला रही होती है। सुलाते टाइम वो उसे आई लव यू भी कहती है। तो अब इसके बाद वो सभी अपने पर्सनल इश्यू के बारे में बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से और उनकी ये बातें काफ़ी टाइम तक चलती हैं। वो कभी तो अपने बारे में बताते हैं, कभी दूसरों की बुराई करते हैं। और वहीं पर लेस्बियन साइकी और इवाना भी रहते हैं और इवाना साइकी को मनाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उससे बात ही नहीं करती है। अब वहीं पर डीजे डैडी भी रहता है और उसके पास रायली आता है। रायली गे रहता है, वो डेविड को लाइक करता था और वो उसके बारे में बताता है। तो वहाँ पर ऐसे काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। अब इसके बाद उनका डीजे डैडी वहाँ पर गाना चेंज करता है और सभी एक एक करके डांस करते हैं। इस बार भी वो काफ़ी ज़बरदस्त डांस करते हैं और ये डांस उनका काफ़ी टाइम तक चलता है। जो भी डांस नहीं करता है वो उसको जबरदस्ती डांस करवाते हैं और वो इतना डांस करते हैं कि वो लास्ट तक थक जाते हैं, लेकिन कुछ तो अभी भी डांस कर रहे थे। अब इसके बाद एलाया सेल्वा के पास आती है कोकिन मांगने के लिए, लेकिन उसके पास कोकिन नहीं रहती और वो उसे दूसरे यानी जेनिफर के पास भेज देती है। तो एलाया जेनिफर के पास जाती है बट जेनिफर एलाया से कह देती है कि मेरे पास अब कोकिन नहीं बचा है। अब इसके बाद रायली को दिखाते हैं जो गे था और वो डेविड को लाइक करता था इसलिए वो उसके पास आकर उसे किस करने लगता है, लेकिन डेविड गे नहीं रहता और वो उसे वहाँ से भगा देता है। अब इतने ही वहाँ पर साइकी आती है और वो स्टेज पर ही टॉयलेट कर जाती है। ऐसा लगता है कि वो नशे में है और सेल्वा को ये पसंद नहीं आता है। तो वो डैडी के पास जाती है और उनसे कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। ऐसा लगता है कि वो डीजे डैडी भी नशे में हो। तो वो इमैनुएल के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया, लेकिन इमैनुएल उससे कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो सेल्वा वहाँ से जाने लगती है, ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो। और ये बात लो को पता चलती है तो लो उसे पूछने के लिए जाती है लेकिन सेल्वा उसे बताती नहीं है। तो लो तो सोने के लिए अपने बेडरूम पर चली जाती है। अब सेल्वा एक कपड़ा लेकर उस टॉयलेट पर रख देती है जो साइको ने की थी। तो सेल्वा को रियलाइज़ हो गया था कि किसी ने सेंग्रिया में यानी कि उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है और ड्रिंक को इवैनुएल ने बनाया था, इसलिए वो उसके पास फिर से जाती है पूछने के लिए कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब जैसा फील सेल्वा को हो रहा था वो फील सभी को होने लगा, मतलब सभी अब अजीब फील कर रहे थे और सभी को पता चल जाता है कि इवैनुएल ने ड्रिंक में यानी सेंग्रिया में एलएसडी मिलाई है। एलएसडी एक तरह से एसिड या फिर ये कहूँ ड्रग रहता है जिसको ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी तेज़ हो जाता है। इसका असर 1 घंटे या फिर 24 घंटे में दिखने लगता है। तो उनके सेंग्रिया में एलएसडी था, उनको पता नहीं था और उन्होंने तो सेंग्रिया समझकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिया। इसका मतलब अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रग ले लिया था और वो सभी हाई थे। तो वहीं पर वो इमैनुएल से लड़ने लगते हैं लेकिन तभी उनको पता चलता है कि इमैनुएल ने भी वो सेंग्रिया पिया था। इसका मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी। बट इतनी वहाँ पर ओमार आता है और ओमार ने उस ड्रग को नहीं पिया था
सभी को लगने लगता है कि इन सब के पीछे वो ही है, इसलिए सभी उसे मारने लगते हैं और वो उसे स्कूल से बाहर भेज देते हैं ताकि वो ठंड में मर जाए, और डोर को लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद एलाया को दिखाते हैं जो अभी भी जेनिफर से ड्रग मांग रही थी, लेकिन अभी भी उसे कोई भी ड्रग नहीं दे रहा था। तो अब इतने ही वहाँ पर इमैनुएल का बेटा टीटू आ जाता है और वो भी सेंग्रिया को पी लेता है। अब इतने ही इमैनुएल टीटू को सभी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन कैबिनेट में जाकर बंद कर देती है और वो डोर को लॉक करके की को अपने पास रख लेती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो अपने बेटे को इस डांस के ग्रुप से बचा सके। तो अब सेल्वा को दिखाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और वो लॉक के यानी उसके बेडरूम पर जाती है। उसके पीछे इवाना भी आती है तो वो लेस्बियन रहती है, इसलिए वो सेल्वा को टच करने लगती है, लेकिन सेल्वा उसे भगा देती है। तो अब इसके बाद सेल्वा लो के पास जाती है, लो की तबीयत ख़राब रहती है। वहीं पर सेल्वा उसे कहती है कि तुमने तो सेंग्रिया को पिया भी नहीं, फिर भी तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है। तो वहीं पर लो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और लो को यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि वो किसकी वजह से प्रेग्नेंट है, यानी कि उसके बच्चे का डैडी कौन है। तो इतनी वहाँ पर डॉम आ जाती है, तो डॉम को भी लो के बारे में पता चल जाता है कि उसने ड्रिंक अभी तक नहीं किया है और उसे लगता है कि इन सब के पीछे वो ही है। ओमार पर तो उन्होंने वैसे ही शक किया और उसको तो वैसे ही बाहर किया। तभी लो उसे बताती है कि उसकी तबीयत इसलिए ख़राब है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो डॉम उसके पेट पर किक मारती है और वहाँ से चले जाती है। लो को इससे काफ़ी दर्द होता है और वहाँ पर वो रोने भी लगती है। अब इसके बाद एलाया को दिखाते हैं जो जेनिफर से अभी भी ड्रग मांग रही थी, लेकिन वो उसे देने के लिए मना कर देती है। इसी वजह से एलाया जेनिफर के बालों में आग लगा देती है। तो लो भी ये सब देखती है और ये सब देख कर वो काफ़ी डर जाती है। अब इसके बाद लो डॉम के पास जाती है क्योंकि उसने उसमें किक मारी थी। तो वो डॉम से कहती है कि तुमने मुझे में किक क्यों मारी, और वहीं पर डॉम सभी को बता देती है कि लो ने अभी तक ड्रिंक नहीं किया। यहाँ तक ये भी बता देती है कि ये कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है। तो सभी लो पर शक करने लगते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। इन सब से परेशान होकर लो अपने पेट पर ही पंच मारती है ताकि वो अपने बच्चे को मार सके, और वहाँ पर सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को मारना होगा। वो चाकू लेकर अपने आप को भी काटने लगती है, लेकिन इतने ही एवा आकर उसे रोकती है। तो इसके बाद डेविड सेल्वा के पास जाता है, लेकिन सेल्वा उसे अपने पास से भगा देती है। इससे डेविड को काफ़ी गुस्सा आता है। अब सेल्वा स्कूल के और अंदर जाती है और एकदम से वो काफ़ी पागल सी हो जाती है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है और वो तड़पने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था, और ऐसा वो काफ़ी टाइम तक करती है। और वो सिर्फ उसी के साथ ही नहीं हो रहा था बल्कि वहाँ पर जितने भी डांसर थे वो सभी ऐसे पागलों की हरकत कर रहे थे क्योंकि उन पर अपना कंट्रोल नहीं था और उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अंदर से उनकी बॉडी जल रही हो। अब इसके बाद सेल्वा इमैनुएल को देखती है जो इलेक्ट्रिसिटी कैबिनेट पर रहती है, तो उसने डोर की खो दी थी और उसका बेटा अब उस रूम के अंदर ही बनता, और वो भी एलएचडी का शिकार था क्योंकि उसने भी सेंग्रिया को पिया था। तो वहीं पर सेल्वा इमैनुएल से की ढूंढने के लिए कहती है और वो की ढूंढने के लिए जाती है। अब सेल्वा हॉल में जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, वहाँ पर सभी परेशान रहते हैं। इतने ही डेविड को कुछ लोग मारने भी लगते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब इसके बाद टेलर अपनी सिस्टर गज़ेल पर ही चिल्लाता है, तो वहीं पर सेल्वा डीजे यानी डैडी के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है, बट वो क्या हेल्प करेगा, वो खुद ही नशे में था। तो इतने वहाँ पर लाइट चली जाती है, इसका मतलब ये था कि इमैनुएल का बेटा टीटू इलेक्ट्रिसिटी रूम में था जिसमें जनरेटर रखा था, और उसने जनरेटर को पकड़ लिया जिससे उसकी डेथ भी हो गई और वहाँ पर लाइट भी चली गई। तो ये बात इमैनुएल को पता चलती है और वहाँ पर रोने लगती है और वो उसके डोर पर जाकर अपने बेटे के लिए चिल्लाती रहती है। अब इतने इवाना सेल्वा को वहाँ से अपने साथ ले जा रही होती है और वो उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से किस भी करते हैं। इतने वहाँ पर डेविड आ जाता है, लेकिन सेल्वा उसे वहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद डेविड डीजे डैडी के पास जाता है, लेकिन वो भी उसे भगा देता है। इसके बाद डेविड देखता है कि टेलर अपनी बहन गज़ेल के साथ ही सेक्स कर रहा था, लेकिन गज़ेल वहाँ से भागने लगती है। तो टेलर उसका पीछा करता है और वो उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने लगता है, साथ ही उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पर सभी पागल से हो गए थे, कोई डांस कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई अपनी बहन के साथ ही सेक्स कर रहा था, और कुछ एक दूसरे से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि एक तो अपनी हड्डी को तोड़ रहा था। तो इसके साथ टेलर अपनी बहन को एक रूम में भी ले जाता है। अब डेविड को दिखाते हैं जिसे कुछ डांसर बेहोश कर देते हैं। अब फिल्म में डायरेक्ट अगली सुबह की स्टोरी को दिखाया है। तो स्कूल में अब पुलिस पहुंचती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि उस एलएसडी ड्रग की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी, उनमें
उनमें से सिर्फ कुछ ही बचे थे जो अभी भी तड़प रहे थे, जैसे कि साइकी, वो अभी भी डांस कर रही थी और उनमें से एक ने तो अपनी हड्डियां तोड़ ली थी। जेनिफर अपने जले हुए सर को ठीक कर रही होती है। वहीं पर टीटू को दिखाते हैं जो इलेक्ट्रिकल रूम में लेटा हुआ रहता है, यानी कि वो मर गया था, और उसकी मॉम रूम से बाहर इमैनुएल अपने आप को मार लेती है। अब इसके बाद लू को दिखाते हैं तो स्कूल का गेट ओपन हो गया था तो वो बाहर चली जाती है। बाहर ओमार को दिखाते हैं जो बर्फ में जम गया था। ईवा को दिखाते हैं जो नेकड बाथरूम में रहती है, और वहीं पर टेलर और उसकी बहन गिजेल को दिखाते हैं तो वो दोनों बच गए थे। और वहीं पर टेलर गिजेल से कहता है कि इसके बारे में तुम डैड को मत बताना क्योंकि उन दोनों ने सेक्स किया था। अब इसके बाद साइकी के बैग को दिखाते हैं जिसमें LSD से रिलेटेड बुक्स रहती हैं। तो साइकी अपने रूम में रहती है और वो LSD लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स को अपनी आँखों में डालती है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो साइकी की वजह से हुआ, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।